हम बचपन से ही रामायण और महाभारत के बारे में बहुत सारे किस्से सुनते हैं। इसमें रामायण को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, यह मुख्य रूप से एक मुद्दा था। रामायण की कथा के अनुसार केकई की जिद की वजह से श्री राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। दासी मंथरा के बहकावे में आकर केकई ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा वचन मांग लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांग लिया। राम भगवान चाहते तो इसका विरोध कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दरअसल त्रेता युग में प्रशासनिक नियम अनुसार अगर कोई राजा अपनी राजगद्दी 14 साल के लिए छोड़ देता है तो उसे बाद में राजा नहीं बनाया जाता है। लेकिन अपने भाई से असीम प्रेम और प्रेम करने वाले भरत ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने खुद राजगद्दी त्याग दिया और वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बाद में जब श्री राम अपना वनवास पूरा करके आए तो उन्होंने उसे राजा बना दिया। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास भेजने में असल में देवताओं का हाथ था, क्योंकि अगर वह वनवास में नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता, क्योंकि उनके जन्म का उद्देश्य ही था रावण का वध।